अगर मुंबई इंडियंस और सीएसके का हम लोग बेस्ट IPL 11 बना सकते हैं, कुछ प्लेयर मुंबई इंडियंस से कुछ सीएसके से, दैट वुड बी फंटास्टिक। तो चलो ठीक है, मतलब 5 प्लेयर बता दे MI के और 6 प्लेयर CSK के। हाँ मैं ठीक है, मैथ्यू हेडन, रोहित शर्मा ओपन, तीन अबे यार नहीं नहीं नंबर नहीं 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 मैं ओपन मुझे मत करा अगर भाई, पाजी है वहां अच्छा पे। ठीक है, अच्छा हाँ 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 हेडन, हेडन ओपन कर पाजी, सकता है। पाजी और हेडन, नंबर 3 तू, नंबर 4 मैं, नंबर मैं पांच चार चार पे ठीक हूँ। नहीं 4 नहीं, तू 3 खेल, मैं 4 नहीं खेलूंगा। मैं चार पे ही खेलता था MI के लिए, तो चार पे खेलूंगा मैं। ठीक है अबे नहीं भाई तूने इतना रन CSK लिए 3 पे जाके बनाया, तो 3 पे खेल ले कोई नहीं। नहीं फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, ऊपर लेफ्टी राइटी है, फिर तू हाँ चलो लेफ्टी ठीक फिर है, अगर राइट लेफ्टी आउट हो गया तो राइट लेफ्टी जाएंगे, राइटी आउट हो गया तो राइटी। 5 पे ही कौन जाएगा। आएगा? 5 पे मैं चाहता हूँ कि पॉली और MS के बीच में कोई डिसाइड कर सकते हैं, हाँ तो वो 5 6 MS और पॉली हो गया, चल ठीक है। ठीक है। और 7 नंबर पे मैं चाहता हूँ कि अपने युविपा, उनका वो बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है, प्लस अच्छा उनका बैटिंग भी वैसे ही है वो, तो अगर उनको लगता है कि वहां पर वो नंबर पे मुझे लगता है सुटेबल है, जैसे 14 16 के बाद, फिर हाँ मुझे लगता है हार्दिक, युविपा और बुमराह, और हमारे से मैं चाहता हूँ LV मौकल, तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों ऑलराउंडर, मुझे लगता है ऑलराउंडर बहुत मैटर करते हैं 2020 में, जो यूजफुल हो तो देख भाई मैंने तेरे को सिर्फ 5 ऑप्शन दिया था MI का, पाजी है, हार्दिक, पोलार्ड और बुमराह। बुमराह, बज्जू पा वो किधर से खिला रहा है, MI से खिला रहा है या CSK बज्जूबा अभी तो CSK से खेलेंगे से? हाँ बज्जूबा चलेगा ठीक है, चल 5 हमारे हो गए और अभी 6 तुम्हारे बता मुझे। MS, माई तू, भाई, बज्जू मैं, पा, ठीक है, भज्जूपा, धोनी भाई, नहीं धोनी हेडन, भाई उन्हें नहीं, उन्हें हेडन को गिना मैंने, हेडन और 4, LV मौकल 5 1 प्लेयर बचाया और बस। और DJ ब्रावो और जडेजा साथ में, नहीं फिर जडेजा और ब्रावो में तेरे को एक 12 12 12 हो जाएगा फिर। नहीं फिर 15 का बनाना पड़ेगा ना, बीच में किसी को इंजरी, इतना 1.5 महीने का अरे ट्रैवल है ना 11 ब्रदर चाहिए भाई सिर्फ। चल चल कोई नहीं ठीक है, फिर मैं देख लेते। और 5 प्लेयर कौन कौन है तेरी तरफ से, पाजी, हाँ बोला ना पाजी, एक्चुअली यार अपने आप को गिनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को नहीं गिनूंगा। नहीं मैं मैं भी बताता इसलिए हूँ बोल रहा हूँ, हम दोनों एक्चुअली सिलेक्टर बन जाते हैं दोनों टीम के लिए, हम दोनों हेडन, नहीं खेलते हैं। हाँ चल ठीक है वैसे करते हेडन हाँ और हेडन पाजी, सचिन। नंबर 3 पे मैं खिलाऊंगा डुप्लेसी को, ठीक है। चार किसको, पे आएगा डुप्लेसी, डुप्लीसी, ठीक है डन। हाँ डुप्लेसी डुप्लेसी को खिलाऊंगा 3 पे। 4 पे खिलाऊंगा राइडू, राइडू को भी हम डाल सकते हैं टीम में, वो भी मैं बोलने वाला था, वो CSK से, देखो राइडू मेरे, मैं चार खाता हूँ कि पांच 3 नंबर राइडू खेले, 4 नंबर डुप्लीसिस खेल सकता है, क्योंकि राइडू नया बॉल का बड़ा तगड़ा प्लेयर है, अभी जो बीच नहीं, में राइडू रिसेंटली चार उसका पे अच्छा फॉर्म, खेलेगा, राइडू ठीक है चार पे 4 हो अच्छा गए, खेलेगा, हम राइडू दोनों सिलेक्टर चार नहीं बन सकते 5 पे आएगा MS और पोलार्ड, 5 6 7 हार्दिक पांड्या, 7 हार्दिक पांड्या हो गया, हार्दिक, 8 पे बच्चू पा हो गए, 9 पे हाँ, साले ब्रावो कहाँ गया, ब्रावो तो ब्रेवो चाहिए चाहिए भाई, यार, ब्रेवो पोलर्ड, ब्रेवो तो गेम ब्रेकिंग हार्दिक और ब्रावो ऐसा हो जाएगा फिर। कोई नहीं छोड़ो, इतना प्लेयर ले लो बस हो गया, 7 8 प्लेयर। नहीं पांच प्लेयर मैंने बताया ना, मेरे 5 बॉम्बे के प्लेयर ये होंगे, पाजी, हार्दिक, पोलार्ड, बुमराह और राइडू, ये 5 हो गए ठीक राइडू, है। तो और राइडू तो पांच छह CSK से प्लेयर खेलेगा मैं, ना अबे अब, किधर से भी खेलने दे, राइडू यहाँ दोनों होने दे या वहां, दोनों एक ही बात ही है। सेम है। हाँ हाँ तो वहां CSK से हो गया हेडन, डुप्लेसी, माय भाई, हेडन हेडन डुप्लेसी MS, ब्रावो, ब्रावो, जड्डू और बज्जूपा हो गया ना 6। जड्डू और भाजपा, मैं सोच रहा था, बट ऑलराउंडर हमारे पास हो गए, ब्रेवो हो गया है, पोलार्ड हो गया है, तो अच्छा टीम है एक्चुअली, और अरे हम चल दोनों हार्दिक भी है, तो अभी वो धोनी भाई को हैंडल करने दे, वो कैप्टन होंगे ना टीम के। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट में बैठ के उनको मोटिवेट करेंगे, खेलेंगे, उनको वाटर देंगे, ऐसे ही करेंगे, मैं अंपायर बन सकते हैं बनूंगा दोनों।
नहीं, मैं बन जाता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं असिस्टेंट कोच बनता हूँ, तू फील्डिंग कोच बन जाए, और फील्डिंग कोच ठीक और बैटिंग कोच। है। और जो लोग रह गए हैं उनको जैसे डीजे हमारे पास भी रहने से वैसा उनको रोल दे देंगे।